असल इस टूल में मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगी, मैं स्टार्टिंग में बताना चाहता हूँ कि साउमी में इस टूल में एडिट क्यूसीएन का भी एक टूल दिया हुआ। मतलब इसमें देखिए, ये टूल बहुत सारे टूल से मिलकर बना हुआ है, ये बात मान के चलिए, क्योंकि ये टूल आपको 500 MB का करीबन ये टूल है। आप यहाँ पर क्यूसीएन फाइल को अपलोड करके आप यहाँ आईमेल लिख के उसको रिबिल्ड कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, एकदम मेरे साथ बोलो, इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन, इंडिया का सबसे नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। हाँ दोस्तों, मेरा नाम देवतन अग्रवाल है, आप देख रहे हैं देवतन अग्रवाल इस टेलीकॉम चैनल। दोस्तों अक्सर हम पेड टूल आपको बताते हैं और हमेशा ऐसे ही टूल बताते हैं जो वर्किंग में है और जिनसे आपको फायदे हो। तो हालांकि मैंने अपने चैनल में काफ़ी ऐसे फ्री टूल भी आपको बताए हैं, तो मुझे एक फ्री टूल अच्छा मिला है, हालांकि ऑलरेडी चल रहा है पहले से, बहुत से लोग आप जानते भी होंगे। अगर आप जानते हैं इस टूल के बारे में तो आप इस वीडियो को स्किप कर दीजिए, क्योंकि वीडियो केवल उन लोगों के लिए जो इस टूल के बारे में नहीं जानते हैं। दोस्तों ये जो टूल है ये एक फ्री वर्जन है, ये है FD 3.8 वर्जन, काफ़ी एक अच्छा टूल मुझे लगा, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर किया जाए। आप इसको चलाइए, इसको बताइए कि किस तरह से ये चल रहा है, क्योंकि देखिए है तो फ्री, ऑलमोस्ट 100% चीज़ें दी हुई हैं, पर मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि 70 और 60% ही वर्क करेंगी, पर कम से कम अगर आपको कुछ भी मिल जाता है इस टूल से। तो दोस्तों अगर इस टूल के बारे में अगर जानना है तो इस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक देखिए, क्योंकि मैं इस टूल के बारे में इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि कहाँ कौन सी चीज़ होने वाली है, क्योंकि डाउनलोड करने के बाद आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं ये कौन सी चीज़ कहाँ से कैसे करूँ और कैसे डाउनलोड करना है। और तो ये सारी चीज़ मैंने आपको इस वीडियो में बताई है, जो कि बहुत आसान है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने ये लाल बटन घंटे वाला नहीं दबा है तो उसको, मैंने कुछ ऐसे टूल और भी ढूंढ के रखे हैं जिसमें आपको फायदा होगा, जैसे सैमसंग के एक लेटेस्ट FRP करने के, और भी अच्छे 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 टूल मैंने आपको निकाल के रखे हैं। मसल इस टूल में मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगी, मैं स्टार्टिंग में बताना चाहता हूँ कि साउमी में इस टूल में एडिट क्यूसीएन का भी एक टूल दिया हुआ। मतलब इसमें देखिए, ये टूल बहुत सारे टूल से मिलकर बना हुआ है, बात मान के चलिए, क्योंकि ये टूल आपको 500 MB का करीबन ये टूल है। आप यहाँ पर क्यूसीएन फाइल को अपलोड करके आप यहाँ आईमेल लिख के उसको रिबिल्ड कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो मुझे लगता है कि अगर ये वर्क कर रहा है, इतने के लिए वर्क कर रहा है, तो ये टूल डाउनलोड कर लो। तो चलो कैसे ये टूल चलाते हैं पूरा आपको बताता हूँ। आपको जो नीचे लिंक दी है वो आपको लिंक ओपन होगी, और जब लिंक ओपन होगी तो वो जाएगी हमारी वेबसाइट पर, आपको ये वाली लिंक ओपन होगी, ठीक है, जो आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको जाना है नीचे और ये क्लिक स्टार्ट पे टिक करना है और सीधे इस टूल के डाउनलोडिंग पे आ जाना है। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि 10 तरह की लिंकें आपको दे दी गई हैं, नहीं, बिल्कुल आपको डायरेक्ट और आसान, आपको इसको करना है डाउनलोड। और डाउनलोड के बाद ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैंने पासवर्ड लिखा हुआ है, ये देखिए, ये पासवर्ड आप यहाँ पर देख रहे होंगे, 123 करके इसका पासवर्ड है। सो डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने के बाद ये टूल आपके लिए हो जाएगा बहुत आसान। अब देखिए ये मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए आपको मिलेगी कुछ इस तरह की फाइल, 7 GB या WinZip या WinRAR की। आपको करना है उसको एक्सट्रैक्ट, जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ, वो मांगेगा पासवर्ड, आपको डालना है 123 और आपको करना है ओके। ये करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। अच्छा, इसमें बहुत सारे ड्राइवर भी आपको दे दिए हैं, जैसे बहुत से लोग बोलते हैं सर मेरे से ड्राइवर नहीं हो पाते हैं, तो ड्राइवर भी लिंक है इसमें, तो एक कम्प्लीट पैकेज है। ये नहीं है कि आपकी पूरी दुकान चला देगा, पर ध्यान रखिए ये एक छोटा सा एक आपको उस मिल जाएगा कि हाँ भाई मैं इसको लेकर कुछ काम तो कर सकता हूँ। यहाँ हमने दे दी अपनी सपोर्ट एसर टेलीकॉम की लिंक है, अगर आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर जाना है उसको सब्सक्राइब कर रहे हैं, हमारे ऑफिशियल मेरे इस चैनल पर तो वीडियो देख ही रहे हैं, साथ में हमारे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम में आइए अगर आपको डेली बेसिक पे अपडेट चाहिए। तो अलग अपडेट नहीं चाहिए और आप ऐसे ही काम कर रहे हैं चालू, तो आप बिल्कुल मत जाइए इस पर, ठीक है। ये है FD का टूल। सबसे पहली बात, ड्राइवर आपको यहाँ पे ड्राइवर मिल गए हैं, तो ये सारे ड्राइवर इंस्टॉल कर लीजिए, और आई होप कि इंस्टॉल पहले से आपके में होंगे ही, क्योंकि डायग्नोस्टिक IMEI और बेसमेंट रिपेयर करने का ड्राइवर होता है। सो यहाँ पर और भी यहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएंगे। आपको टूल कैसे चलाना है, देखो ये टूल इंटरनेट पर, आपके विदाउट इंटरनेट पर भी चलता है और विद इंटरनेट भी ये टूल चलेगा, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि विदाउट इंटरनेट नहीं चलेगा, और इसमें फुल लोडर दिया हुआ है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपके सिस्टम में एंटीवायरस आपके इनेबल है तो ये फुल लोडर का आप जैसे ही इसको अनजिप करेंगे तो ये गायब हो जाएगा। आपको करना है अपने एंटीवायरस को हटा देना है, मतलब एक तरह से डिसेबल करना है आपको कुछ समय के लिए, जब तक आप ये टूल चला रहे हैं, फिर आप ये लोडर को ओपन कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि अगर आपको ये फुल लोडर गायब मिल रहा है तो आप एंटीवायरस को आप यहाँ से हटा दीजिए, डिसेबल कर दीजिए, एडजस्ट कर दीजिए कुछ समय तक, और उसके बाद फिर से इसको ओपन कीजिए, स्ट्रैक कीजिए यहाँ से, और उसके बाद आपको ये लोडर यहाँ पे मिल जाएगा। आपको चलाना ये लोडर ही है, रनस एडमिन पे आपको क्लिक करना है, क्योंकि ये प्रोसीजर है दोस्तों, उसको अच्छे से देख लीजिए।
फिर उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली ये विंडो खुलेगी, आपके में भी खुलेगी, मेरे में भी खुल गई है, क्योंकि टूल को बनाए कुछ इस तरह से। अब आपको यहाँ पर एफडी टूल में क्लिक करना है और उसको क्लिक कर देना है, मतलब लोडर ओपन करके इसको क्लिक करना है आपको। और जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको आपका टूल ओपन होगा। देखिए पैचिंग के बाद में ये देखिए पैचिंग हो गई, अब आपको ये टूल ओपन हो जाएगा। ये देखिए बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, इंस्टॉलिंग करने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके सी में जा रहा है, सिस्टम में जा रहा है, डीएलएल आपकी करप्ट करेगा या ऐसा कुछ इसमें वायरस मुझे लगता नहीं है, और जो कि एक अच्छा टूल है। दोस्तों सबसे पहली बात, अच्छी अच्छी चीज़ें पहले बता देता हूँ। Xiaomi में सबसे बेस्ट एडिट QCN आपको दे दिया, क्या चाहिए? मेरे को लगता है मैं सिर्फ इसके लिए ये टूल चलाऊंगा, अगर मुझे कभी करना हो कि मुझे अगर कोई IME रिपेयर करना है, ठीक है, किसी मेरे पर बंदे का आया और जेन्युइन IME रिपेयर करना है, इलीगल तो बिल्कुल मत कीजिए ना ही सोचिए। आपको अगर अच्छे तक काम करना है तो बिल्कुल सिर्फ जितना हो सकता है पेपर वर्क कीजिए, अगर स्क्रीन लॉक खुलवाने के लिए भी आ रहा है तो उनसी आधार कार्ड लीजिए, उनकी फोटो खींचिए दोस्तों, कुछ भी इलीगल मत कीजिए, ना ही एसर टेलीकॉम कभी सपोर्ट करता है। तो आप यहाँ पर एंटी रीलॉक यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे रिपेयर IMEI, अच्छा यहाँ पे IMEI को रिपेयर करने के लिए भी आपने एक QCN तो बना लिया अलग, पर रिपेयर करने के लिए भी डायरेक्ट आप यहाँ पर रिपेयर कर सकते हैं डायग्नोस्टिक रिपोर्ट बनाकर। यहाँ पर TWRP जैसे अगर आपको रूट करना है तो आप यहाँ से डायरेक्ट सिर्फ TWRP इमेज फाइल दीजिए, अपने फोन को कनेक्ट कीजिए फास्ट मोड पे और ये आपको कर देगा रूट। फ्लैश टूल भी दे दिया है, बहुत सारी चीजें हैं। और देखिए यहाँ पे मॉडल वाइज दिया हुआ है, बहुत सारे फोन दिए हुए हैं मॉडल वाइज, तो जो भी आपको मॉडल सेलेक्ट करना है उसमें फिर बाद में आप सेलेक्ट कीजिएगा कि आप कौन से मोड पे उसको सेलेक्ट करना चाहते हैं। और वैसे देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पे ADB सर्विस दिया हुआ है, रिमूव अकाउंट मेथड वन, जैसे मैं रिमूव MI अकाउंट मेथड वन करूंगा, उसको करूंगा स्टार्ट। आप देखिए इसके नीचे यहाँ पर इसके CPU भी दिए हुए हैं, आप इसको CPU भी सिलेक्ट कर सकते हैं, सपोज अगर लोडर आपका नहीं ले रहा है तो CPU सिलेक्ट करके उसके बाद में फिर यहाँ पर आप मेथड को लेकर यहाँ स्टार्ट कर सकते हैं। और नीचे भी कुछ यहाँ पे मेथड दी हुई है, उसको लेकर भी यहाँ पे आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो फास्ट बूट नीचे दे दी है, ऊपर ADB, सीधी सी बात है ये ADB में करेगा, जो भी करेगा ADB में करेगा और ये फास्ट बूट में करेगा, मतलब दो मेथड यहाँ पे इन्होंने दे दिए। और डायग्नोस्टिक भी ओपन कर देगा। क्यूफिल अगर हम बात करें, हमने टिक किया तो यहाँ पे देखिए क्यूफिल खुल गया, क्या चाहिए आपको? क्यूफिल खुल गया। तो सैमसंग में भी है, एप्पल में जाते हैं तो ये यहाँ पे टिक किया। तो IPSW जो इसकी फाइल होती है वो दे दीजिए, डाटा लॉस नहीं होगा, नीचे में डाटा लॉस हो जाएगा। एप्पल भी आप यहाँ से कर सकते हैं, पर मैं सजेस्ट करूँगा एप्पल आप 3U टूल से करें। ऑसस की FRP कुछ दे दिए, यूनिवर्सल दे दिए फास्ट फूड मोड पे। अच्छी बात मुझे एक लगी है, वीवो में भी यहाँ पे कुछ दे दिया है, जैसे वीवो 95 Y95 दे दिया है, जिसको आपको कनेक्ट करना है यहाँ पर EDL मोड पे। बहुत अच्छी चीज है दोस्तों। तो वीवो का Y51 भी यहाँ पे दिया हुआ है और इसको भी मेरे ख्याल से कनेक्ट करना होगा आपके EDL मोड पे, ठीक है। तो ये सारी चीज यहाँ पे दी हुई है, तो आप समझ गए होंगे नॉर्मल है इसमें भी आपको। अच्छा वीवो में चला है तो वीवो के में से भी इतना ही फोल्डर ओपन होता है। LG की बात करेंगे तो आप KDZ फाइल को साथ फ्लैश कर सकते हैं, इसके LG फ्लैश टूल के साथ ये ओपन हो जाएगा। जैसे ही मैं इसको ओपन किया, देखिए दोस्तों बहुत ज़्यादा कोई बग्स नहीं है, ना ही ऐसा कोई स्लो है, ना ही ऐसा है कि 10 कोई लिंकें ओपन होती हैं। सो बस आपको यहाँ पे फाइल देनी है और KDZ फाइल लेके आप इसको फ्लैश करना है। नॉर्मल फ्लैश में आपका डाटा नहीं जाएगा, CSE में आपका डाटा चला जाएगा। अगर आपको सॉफ्टवेयर नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता है, या आप कंफ्यूज हैं, तो आप इसे टेलीकॉम ज्वाइन करो, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे। हम लोग सिखाते हैं, मतलब हम लोग का 10 से 11 घंटे की क्लास में आपको पूरा तरीका और सारा प्रैक्टिकल एक एक फोन को कनेक्ट करके सारी चीज आपके सामने हम करके दिखाते हैं और आपसे भी करवाएंगे। कॉलकम रिपेयर IMEI एडिट के लिए सब तो बता ही दिया है, ऑलमोस्ट बहुत अच्छा है। MDK भी बहुत सारी चीजें FRP दे दी है यहाँ पर, रिमूव FRP, CPU वाइज यहाँ पर इन्होंने FRP डाल दी है। अब आपको करना क्या है, वही सेम अपना फ्लैश मोड में उसको कनेक्ट करना है। फास्ट बूट मोड तो और ऑलमोस्ट पहले भी सभी फास्ट बूट पे, फिर भी अलग से देखो स्पेक्ट्रम का FRP, ये तो 100% वर्क करता ही है सब में, आपको तो पता ही है, नहीं पता तो उसको करके देखना। अगर कोई स्पेक्ट्रम का आया तो उसको फास्ट बूट में कनेक्ट करना वॉल्यूम डाउन और पावर की के साथ, और उसके साथ कनेक्ट करना। मुझे पूरा यकीन है कि ये आपको वन क्लिक में आपका FRP निकाल देगा। और बहुत सारी चीज़ें तो इसमें है ही, सैमसंग भी है, सैमसंग तो ऑलमोस्ट देते ही हैं।
और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे मोटरोला भी यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हैं मोटरोला में भी बैकअप EFX फाइल, जो कि इसकी नेटवर्क की फाइलें होती है, IMEI नेटवर्क की सारी चीजें, बेस बैंड, तो ये सारी चीजें हुई है। तो दोस्तों कैसा लगा ये टूल? ये टूल को आप इसको प्रैक्टिकल देखिए, उसको खुद चलाइए और मुझे बताइए कि टूल अच्छा लगा कि नहीं लगा। और सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपको पसंद आए। टूल कैसे डाउनलोड करना है शुरू में बताया, अगर आपने मिस कर दिया तो शुरू के वीडियो को पूरा देखिए। सो इस टूल के बारे में इतना ही, और इस वीडियो तक इतना ही। मिलते रहिए और जुड़े रहे चैनल से, क्योंकि आपको मिलेंगे एसर टेलीकॉम से हर वक्त और हर पल पर एक नया अपडेट। थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज। और कंपोनेंट के बारे में क्या कहना था? स्पेशल चीज दिखा रहे हैं, हालांकि स्पेशल नहीं है, कॉमन है, फिर भी एक हम हमेशा वीडियो में एक क्रिकेट को और फिर को आने वाले समय में देने वाले हमारे और उसका माइंड क्लियर है कि मुझे करना है, तो उसके लिए 1 महीना भी बहुत है। ठीक है, एक बार जोर से क्लैप कर दीजिए, इनके लिए आईसी लगाए हैं। थैंक यू वेरी मच सर। अनाउंसिंग 9001 एंड 2008 सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट एशिया टेलीकॉम एडवांस मोबाइल रिपेयरिंग इंस्टीट्यूट। कॉल फॉर एडमिशन 9644139972। डाउनलोड मोबाइल फ्री रिपेयरिंग एंड्रॉइड एप्स। Link in description. Yeah.